हेलो स्टूडेंट्स, सब सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो स्टूडेंट्स सबसे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो आपका एग्जाम एकदम खराब जाने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को प्रांत तक देखिएगा स्टूडेंट्स, और चैनल में नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे में बहुत सारा वीडियोज डालने वाले हैं। देखिए से आप लोग को सेमेस्टर थ्री का जो सिलेबस है ज्योग्राफी सेमेस्टर वन में वो पढ़ना है, ठीक है। वो कैसे हम बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो है सो अन्य अन्य जगहों से हमको पता चला है, ठीक है। और बुक्स भी जितने छप रहे हैं गेस पेपर्स वगैरह, यही इसी को छापा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स ऊपर से भी ऑर्डर है कि इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफिकल थाट एंड जीआईएस जीपीएस एंड रिमोट सेंसिंग सेमेस्टर वन में ही पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें कोई आप लोग को शक रहे तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी जो है सो मेरे अनुसार इसी को पढ़ना है सेमेस्टर वन में, ठीक है। अब आगे देखिए, 100 नंबर तो पूरा होता है कम्प्लीट, उसमें जो क्या होता है 75 नंबर आप लोग को लिख के लाने होते हैं, ठीक है। 25 नंबर आप लोग को इंटरनल से मिलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। पासिंग नंबर 40 होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है सो क्या कुछ पढ़ने पड़ेंगे आप लोगों को मॉड्यूल वन में। मॉड्यूल वन में पढ़ना ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, ठीक है। ज्योग्राफी जो एक होता है फ्रेंड्स, एक डिसिप्लिन सब्जेक्ट होता है, ठीक है। वो कैसे है उसके बारे में अनुशासनात्मक सब विषय है, तो कैसे है उसको एक पढ़ना आप लोग को। नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी का जो प्रकृति होता है और विशेष क्षेत्र होता है, स्कोप होता है, वो कितना होता है उसके बारे में पढ़ना है। प्लेस ऑफ ज्योग्राफी इन द क्लासिफिकेशन ऑफ साइंसेस, तो सामाजिक विज्ञानों का जो, या फिर कह सकते हैं विज्ञानों का जो क्लासिफिकेशन विभाजन है उसमें ज्योग्राफी का क्या स्थान है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडस्केप रीजनल एंड कल्चरल, तो क्या कॉन्सेप्ट है स्पेस का और क्या कॉन्सेप्ट है लैंडस्केप का, ठीक है, रीजनल एंड कल्चरल लेवल में, तो इसको भी आप लोगों को क्लियर करना है। अब देखिए मॉड्यूल सेकेंड वर्सन ज्योग्राफी इन एंशियंट, तो ज्योग्राफी जो प्राचीन पहले कैसा था, ठीक है। ग्रीक क्या योगदान दिए हैं, रोम क्या दिए हैं, अरब क्या दिए हैं और भारत क्या दिया है ज्योग्राफी में योगदान, और ज्योग्राफी का विकास कैसे हुआ, ठीक है। एंड मिडाइवल पीरियड, तो ये एंशियंट पीरियड का था, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए मिडाइवल पीरियड में डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी इन मॉडर्न, तो देखिए क्या होता है कि मिडाइवल पीरियड में ज्योग्राफी का विकास कैसे होता है। फिर देखिए मॉडर्न पीरियड में जर्मन, फ्रेंच, ब्रिटिश और अमेरिकन जो संप्रदाय होते थे वो किस प्रकार से विकास किए हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ हम्बोल्ट, तो हम्बोल्ट का क्या योगदान रहा, रिटर का क्या योगदान रहा, रेडजेल का क्या योगदान रहा, ब्लास का क्या योगदान रहा और हार्टसन का भी क्या योगदान रहा ज्योग्राफी में, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग को पढ़ना है मॉड्यूल टू में। अब मॉड्यूल थ्री में क्या पढ़ना है, डुअलिज्म। डुअलिज्म मतलब द्वैतवाद, ठीक है। ज्योग्राफी में द्वैतवाद यानी भूगोल में द्वैतवाद कैसे आया, क्या कुछ होता है, ठीक है, द्वैतवाद और क्यों आया, किस बात को लेकर द्वैतवाद आया। तो अब देखिए आगे मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, तो मानव और पर्यावरण संबंध जो होता है उसके बारे में पढ़ना है। मेथड्स एंड टेक्निक्स इन ज्योग्राफी, तो क्या क्या मेथड्स होते हैं, क्या क्या टेक्निक होते हैं ज्योग्राफी में, जैसे क्वांटिटेटिव, बिहेवियरियल, रेडिकल, ह्यूमनिस्टिक एंड इन्वायरमेंटल, तो ये सारा कुछ क्या होता है, ये कुछ टेक्निक एंड मेथड्स होते हैं ज्योग्राफी में, ठीक है। और करियर इन ज्योग्राफी, तो क्या करियर होगा ज्योग्राफी लेकर आपको आगे जीवन में, तो उसके बारे में भी आप लोग को पढ़ लेना है। अगला देखिए मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ रिमोट सेंसिंग, तो क्या अर्थ होता है इसके बारे में परिचय देना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन देना है रिमोट सेंसिंग का, रिलीवेंस ऑफ रिमोट सेंसिंग इन ज्योग्राफी, तो किस प्रकार से रिलेट करता है रिमोट सेंसिंग ज्योग्राफी से, क्यों जरूरी है रिमोट सेंसिंग का ध्यान ज्योग्राफी के लिए, उसके बारे में। एडवांटेज ऑफ रिमोट सेंसिंग इन मॉडर्न टाइम्स, तो आज के समय में जो रिमोट सेंसिंग होता है क्यों जरूरी हो गया, ठीक है, क्या उपयोगी है, क्या विशेषताएं इसका महत्व है, ठीक है। मीनिंग ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस, तो क्या अर्थ होता है जीआईएस का, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का, उसके बारे में। एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस, तो कौन कौन से एप्लीकेशन है जीआईएस का। कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, तो क्या कॉन्सेप्ट है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एंड जीपीएस का, तो टोटल इतना ही आप लोग को पढ़ना है सेमेस्टर वन में, ठीक है। इसका नोट्स चाहते हैं कंप्लीट नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश में या फिर किसी भी एक मीडियम में, तो आप लोग हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डाल दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो इन्फॉर्मेशन के लिए आप वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह का वीडियोज आएंगे तो आप लोग को टाइम टू टाइम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।